ये तुष्टिकरण की मानसिकता कांग्रेस की नहीं गई है, जो अब सिमट करके उंगलियों के टिप्स पर राज्यों में बच गए हैं। चिदंबरम की भाषा तुष्टिकरण की भाषा है, मोदी जी की पहल, अमित शाह की पहल देश हित के लिए है, सरदार पटेल की भावना के साथ है, राष्ट्र के 150 करोड़ लोगों के अनुरूप है, एक भारत एक कानून के अनुरूप है। 70 साल से भंगी समाज, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा था, उसके अनुरूप है। जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, उनके अनुरूप है। गरीबों को वहां वो कानून की मदद नहीं मिल रहा था, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे घर हो, शौचालय, उसका ये था, गरीबों के लिए था, देश के लिए था, और जब तक ये रहेगा ये होता रहेगा। आखिर क्या कारण है गुलाम नबी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह लगातार टारगेट कर रहे हैं मोदी जी की सरकार को 370 को लेकर? इसलिए कि उनके चेहरे बेनकाब हो गए, 3 तलाक में भी चेहरे बेनकाब हो गए, महिला विरोधी महिला उत्पीड़न के साथ रहे, और 370, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि किसी भी राज्य में, मैं तो अभी कंस्टिट्यूएंसी से लौट के आ रहा हूं, उत्सव का माहौल है। जब कहता हूं 370 हटना चाहिए था कि नहीं, तो हां सब हाथ उठाता है। ये देश एक कानून चाहता था, इसीलिए हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि डोभाल, अमित शाह और मोदी जी अपना हाथ को आग में जला रहे हैं, हम अपील करेंगे कश्मीर को बचाएं लोग। दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के लोग देश से खेलते रहे, देश के गरीबों से, देश के स्वाभिमान से, मोदी और अमित शाह को आग से खेलने की ताकत है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। 56 इंची का सीना कहाँ गया कहने वाले लोग, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों पर हमला पाकिस्तान में घर घुस के किया, तब भी समझ में नहीं आया कि आग से खेलने वाला राष्ट्र के लिए ये मोदी और अमित शाह ही है। आप डोकलाम में लोग कहते थे चाइना आ गया, चाइना आ गया। हम नेहरू नहीं है जो कह देंगे कि चाइना ने जो जमीन कब्जा की वो कंकड़ पत्थर थे। एक एक इंच अमित शाह और मोदी के लिए भारत माता का वहां खून दिखता है, भारत माता की आवाज दिखती है, और भारत माता के लिए अब 56 इंच नहीं, आग से खेलना नहीं, बल्कि अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने जवाहरलाल नेहरू को दोषी बताया कश्मीर समस्या के लिए, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके पैर के धूलि के बराबर भी शिवराज सिंह नहीं है। दिग्विजय सिंह धूल चाटे नेहरू खानदान के, शिवराज सिंह एक गरीब का बेटा है, उसने करके दिखाया है, और नेहरू ने जो अपराध किया देश में, आज पीओके भारत का होता, नेहरू ने सेना को वापस करके भारत के साथ गद्दारी की है। सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई, पहले राहुल थे, सोनिया बन गई मम्मी रिटर्न। अरे भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई रहस्य क्या लेना देना, लेकिन प्राइवेट में भी धीरू भाई अंबानी का टेक ओवर मुकेश अंबानी ने किया, लेकिन यहाँ तो मुकेश अंबानी को टेक ओवर धीरू भाई अंबानी की तरह कर रहे हैं। पहली बार मैंने माँ बेटा का वारिश
माँ को बनते देखा, हम लोगों की बधाई है। कांग्रेस कभी नेहरू खानदान से निकल नहीं पाएगा, गांधी खानदान से। क्या गिरिराज सिंह जी कश्मीर जल रहा है जैसा राहुल गांधी बता रहे हैं? कश्मीर अब स्वर्ग की तरह सुगंध दे रहा है, फल फूल रहा है, और कश्मीर आने वाला दिन स्विट्जरलैंड की तरह कश्मीर दिखेगा। वो नेहरू का कश्मीर नहीं है जिन्होंने नफरत का बीज बोया, अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कश्मीर होगा, जो वहाँ से केसर के भी सुगंध फैलेंगे और वहाँ से खुशबू ही छिड़केगा, वो स्विट्जरलैंड बनेगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कांग्रेस पार्टी को? इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि भारत को उन्होंने जागीर समझ लिया है कि राज करेंगे हम, नहीं तो कोई और नहीं। उनको मोदी इसीलिए नहीं पसंद आते हैं कि मोदी एक गरीब का बेटा है, और आज पूरे देश का बेटा मोदी है। कांग्रेस के लोग गाली देते रहे, जितनी गालियां देते हैं मोदी उतना राष्ट्र के लिए ताकतवर होता है।